हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में भी होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और टाइम हो रहा है अभी 6:30-7 बजे का समथिंग हो रहा है और मैं उठ चुकी हूँ सो के। कल आने के बाद मैं यहाँ पे बस मैंने थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह, मैंने कुछ भी नहीं की थी, सिर्फ अपना कवर क्लीन किया था, तो कवर मैंने क्लीन कर दिया है, कपड़े वगैरह अच्छे से लगा दी है। तो आज करूँगी मैं अपनी रूम की भी डस्टिंग और घर की भी डस्टिंग करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी और जाली वगैरह लग रहे हैं, क्योंकि सफाई करने वाला कोई भी नहीं था यहाँ पे, इसलिए तो बहुत ज़्यादा गंदगी हुई है। 1.5 महीने में बहुत गंदगी हो जाती है, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो सिंगल है यहाँ पर और हाईवे पर है, तो बहुत गंदगी धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो बस अब ठीक है, सबसे पहले मैं उठ चुकी हूँ, सबसे पहले अपनी मेडिसिन खाऊंगी। मेडिसिन खाने के बाद मैं पीऊँगी दूध। तो दूध तो मैंने यहाँ ले लिया है अपना और बस उसको ठंडा करने के लिए रख दिया अभी। तो अभी मेरा दूध ना ठंडा हो रहा है, तो अभी ये मैंने दूध तो ले लिया है बट अभी ठंडा हो रहा है, तो ये गर्म है बहुत ज़्यादा, तो मैं ठंडा करने के लिए रख दिया। जब तक अपनी मेडिसिन खाऊँगी और तब तक दूध भी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए 1 कप कॉफ़ी या चाय कुछ भी, और फिर मिलूंगी आप लोगों को थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने काम में लगूंगी, डस्टिंग वगैरह करूंगी तब। तो कल ना मैंने ना कोई यहाँ आने के बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, रास्ते में थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग की थी, क्योंकि मैं पूरी रास्ते बहुत सैड होती हुई आई हूँ, क्योंकि ना मैं हमेशा इतने सैड नहीं होती हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि मम्मी को छोड़ के आना, और आप सबको तो जानते ही हैं कि मेरी मम्मी किस सिचुएशन से रिकवरी कर रही है, अभी किस चीज़ से रिकवरी कर रही है, तो उनको भी छोड़ के आई हूँ। और वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, क्योंकि घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, सिस्टर, उनको ध्यान रखने के लिए फिर भी एक रहता है, अपने मन का सपोर्ट रहता है, मतलब मन से रहता है कि नहीं मैं होती तो मैं ये करती, मैं होती वो करती, तो वो चीज़ रहती है। बट कोई नहीं, 1 या 1.5 महीने की बात है, उसके बाद मैं फिर चली जाऊँगी, क्योंकि सिस्टर की शादी भी आ रही है और फिर मम्मी के पास फिर कोई नहीं होगा अभी, तो शादी का काम वाम देखना, हर चीज़ को देखना समझना, और मम्मी तभी रिकवरी में, तो मम्मी को सिर्फ हम लोगों को आराम करना है, मम्मी को कोई काम नहीं करना है, इसलिए तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो 1.5 महीने के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ फिर से, और वैसे यहाँ आना भी मेरा ज़रूरी था, मजबूरी थी आना, क्योंकि हस्बैंड यहाँ अकेले थे और बहुत परेशान हो रहे थे अकेले, क्योंकि हमारा घर जो है मेन हाईवे पर है और घर में कोई भी नहीं है, हस्बैंड को बार बार बाहर जाना पड़ता है काम से अपने, कभी किसी काम से, कभी किसी काम से, और कभी किसी मीटिंग के लिए, कभी किसी काम के लिए, तो घर को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा घर मेन हाईवे पे है और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ बहुत चोरी चकारी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए। तो बस अब कुछ नहीं है, मॉर्निंग का टाइम है और अब मैं जाती हूँ, सबसे पहले अपने लिए दूध गर्म हो चुका है मेरा, तो ठंडा हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। हस्बैंड ने दूध वगैरह पी लिया, वो जा चुके हैं बाहर वॉक करने के लिए, और नाश्ता वगैरह भी बाहर से करके आएंगे, मेरे लिए भी नाश्ता वगैरह ले आएंगे वो, और वो भी नाश्ता कराएंगे बाहर से, तो मैं भी दूध पी लेती हूँ और मेडिसिन खाओगे उसके बाद दूध पीऊँगी, फिर मिलूँगी आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। तो अभी हो रहा है टाइम समथिंग 7:30 बजे का, और यहाँ धूप का कोई सिलसिला नहीं है और बहुत ज़्यादा फॉग भी है यहाँ पे, यहाँ पे इतनी सर्दी है, मतलब इतना ग्वालियर में सर्दी नहीं थी, लेकिन यहाँ राजस्थान धौलपुर में बहुत ज़्यादा सर्दी है, आप देख सकते हैं, ओहो बहुत ठंडा, सच में मेरा तो बाहर भी निकला नहीं जा रहा, मैं थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए दिखाने के लिए आपको आई हूँ थोड़ा सा बाहर, कि आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ कैसा मौसम चल रहा है, तो मैं दिखा दूँ, देखो फॉग हो रहा है चारों तरफ, फॉग है। और अभी हमारे गार्डन में ना काफ़ी सारी सब्जियां लगी थी, लेकिन सर्दी की वजह से सारी सब्जियां वो सब्जियां ख़राब हो चुकी हैं, तो फिलहाल तो अभी जो नई सब्जियां आ रही हैं, देखो ये पालक है, मेथी है, धनिया है, बैंगन है, और पता नहीं क्या क्या सब्जी भी आ रही हैं, तोरी वगैरह, तो मैं फिर कभी दिखाऊँगी आप लोगों को सब चीज़ें, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि मुझे लगी बहुत ज़्यादा सर्दी जो कि अनकम्फर्टेबल है। और तो ये देखिए मेरी स्ट्रे डॉग आ चुकी है बहुत दिनों के बाद, जब से मैं आई हूँ तब से, मतलब कि इसको पता चल चुका है कि मैं आ चुकी हूँ, तो ये देखिए रोटी खाने के लिए आ चुकी है, मेरे बेटा ले खा ले खा ले खा ले, चली जा चली जा खा ले, शाबाश। तो हाय फ्रेंड्स, ये टाइम पे दूध गलप कर लिया है, अब इस पे बॉर्नविटा डाल गई, अब इसको चम्मच से मिक्स करेंगी, उससे कुछ बॉर्नविटा से ना हाइट ज़्यादा बढ़ती है। सही बता? हाँ,
देखो तो मैं छोटी सी दी थी। चीनी डाल के पीती है? चीनी डाल के तुम पी रही हो? हाँ। मैं भी पी रही। मेरे को तो चीनी डाल। बॉल बेटा कहाँ गया? देख लो इसी में। पता नहीं उसका बॉक्स कहाँ है बॉल बेटा का, ये वाला डाल देती हूँ। तो पता नहीं ये था क्या क्या बॉर्मिटा का ब्रश बॉर्मिटा का पैकेट डाल रही है और मेरी बहन बॉर्मिटा नैंसी को मैं लाइन नहीं हूँ छुपके छुपके आ जाती हूँ वो काम भी डाल देती है पर ताई एक बात बोल ले है बोलो वो क्या कहते हैं ना क्या कहते हैं बना वो क्या कहते हैं वो ताई क्या कहते हैं ना वो नहीं है गुलाबी अब वो लेते हैं आकस्ता की आकाचा चक कोटी पे कोई साया आकाचा चक कोटी पे कोई साया है कौन सा साया है आकाचा ताऊ की कोटी पे यो वो ले आवे अब मेरे को चढ़ाने लगी मैंने बोला लावे मेरे को मत चढ़ा मेरे को भूतों से डर लगता है क्यों बोलती है इससे तू यहाँ नहीं आएगी और वो चुपके चुपके आ जाए थोड़ा ठंडा हो जाने दे दूध को है जब तक हम बनाएंगे आप दाल मखनी तो हम दाल मखनी बना रहे हैं चलो कब तक और ताई ये दाल मखनी की ताई कैसे बना रहे हो आप दाल मखनी की पहले मैं दाल रख दी है अभी हाँ तो तब आप भूल निकालोगे उसमें एक प्लेट आती है दो उसमें दो प्लेट आती है दिखाना ताई उसको देख उसको दिखाओ तो सही वो कुकर में रख दिया ना मैंने वो कुटली नहीं बनाते बस से क्या बना वो रख दिया अब मैं दूध पीऊंगी अच्छा मैं तो इसको पी लो गरम तो नहीं है ज्यादा पी ले तो है फैमिली मैं और ताई दूध पी रही है बॉर्मिटा का तो ताई को बड़ी हंसी आ रही है मैं आ चुकी हूँ अब किचन में और बस अब मैं बनाने वाली हूँ आज दाल मसूर की दाल बोलते हैं उसको जो छिलके पे ब्लैक सी होती है और छिलका निकालने पर रेड होती है तो वो वाली दाल मैं बनाने वाली हूँ आज और नाश्ता वगैरह सब हो चुका है दूध वगैरह सब पी लिया है नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और नाश्ते को मैंने बनाया नहीं है घर पे तो हस्बैंड मार्केट गए थे तो वो भी नाश्ता वहीं करके आए बाहर और मेरे लिए भी नाश्ता ले आए हैं तो मैंने भी नाश्ता कर लिया है तो अब मैं बनाने वाली दाल और चावल और रोटी हल्का खाना बनाऊंगी बिल्कुल और साथ में बूंदी का रायता और चलो बनाते हैं फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद तो यहाँ पे दाल बन चुकी है अब इसमें लास्ट में जो तड़का होता है घी वाला लहसुन का और घी का और जीरे का और रेड चिली पाउडर का इसका मैं लगाने वाली तड़का तो यहाँ ये देखिए लहसुन और जीरे को अच्छे से तड़काने के बाद मैंने डाल दी इसमें रेड चिली पाउडर और ये देखिए हमारी दाल बन के हो चुकी है रेडी काफी डिलीशियस है काफी टेस्टी है और यहाँ पे मैं बना रही लगा रही हूँ रोटी के लिए आटा कैसे बने खा लेते तो यहाँ पर मुझे ना बीच में लगी थी फिर से भूख तो मैंने खाना तो नहीं खाया क्योंकि मैं बिना नहाए वगैरह खाना नहीं खाती हूँ वो खाना भी बना भी नहीं था पूरा रेडी तो दाल चावल बने थे रोटियां मैंने नहा के बनाऊंगी तो यहाँ मैंने एक गिलास दूध और पी लिया था ये बकरी हमारा पूरा पेड़ खा गई इसको भगाना पड़ेगा ये देखो यहाँ से चढ़ के आ जाती है ये और खा लेती है चलो भैया जाओ 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 जल्दी ले
इधर वहाँ कहाँ बैठ रही है, वहाँ कहाँ बैठ रही है, जा बाहर घूमा जा जा, देख ले वहीं बैठेगी, लेकिन वहीं बैठेगी सामने। कैसे बैठी है,